बेटी जानवी कपूर की अगली फिल्म का पापा बोनी कपूर ने खोला राज। रामचरण के संग काम करने पर कही ये बात। बॉलीवुड में एक्टिंग का जलवा दिखाने के बाद जानवी कपूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। जूनियर एनटीआर के बाद जानवी कपूर अपने दूसरे तेलुगु प्रोजेक्ट्स को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर बीते दिनों वायरल हुई थी कि जानवी कपूर अब रामचरण के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती हुई नजर आएंगी, लेकिन अब इन खबरों की सच्चाई जानवी कपूर के पिता बोनी कपूर ने बता दी है। बोनी कपूर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में जानवी और रामचरण के प्रोजेक्ट पर अपना रिएक्शन दिया है। बोनी कपूर ने बताया कि जानवी कपूर जल्दी ही डायरेक्टर बुची बाबू सना की फिल्म में रामचरण के साथ नजर आएंगी। जानवी के नए तेलुगु प्रोजेक्ट को लेकर बोनी कपूर ने कहा, मेरी बेटी जूनियर एनटीआर के साथ पहले ही फिल्म शूट कर चुकी है, उसे यहाँ सेट पर बिताया गया हर एक दिन पसंद आ रहा है, जल्दी ही वो रामचरण के साथ फिल्म शुरू करेंगी। ये दोनों लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। बोनी कपूर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो बहुत सारी तेलुगु फिल्में देख रही है और वो उनके साथ काम करके काफी लकी भी फील कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म काम करे और जानवी को और काम मिले। वो जल्दी ही सूर्या के साथ भी काम करेंगी। मेरी पत्नी यानी कि श्रीदेवी ने भी कई भाषाओं में काम किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी भी वैसा ही करे। आपको बता दें, जानवी कपूर का पहला तेलुगु प्रोजेक्ट जूनियर एनटीआर के साथ है, जिसका नाम है देवरा, और इसके बारे में ऑलरेडी काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब जानवी का फर्स्ट लुक देखने के लिए सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।